राजनीति में भी कई मर्तबा ऐसे भावुक क्षण आ जाते हैं जब भावनाओं पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही उस समय हुआ जब पूर्व मंत्री इमरती देवी केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई देने पहुंची। अचानक इमरती देवी की आंखों में आंसू छलक गए तो सिंधिया भावुक हो गए और उन्होंने आगे बढ़कर इमरती देवी को गले लगाया और जादू की झप्पी दी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास और दफ्तर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। ग्वालियर चंबल संभाग से भी सैकड़ों समर्थक बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। सिंधिया की कट्टर समर्थक मानी जाने वाली पूर्व मंत्री इमरती देवी भी सिंधिया को बधाई देने दिल्ली पहुंची। इमरती देवी ने अंदर पहुंचते ही कहा, महाराज साहब बधाई हो। सिंधिया ने बधाई स्वीकारने के साथ ही उनका हालचाल पूछा। इस दौरान इमरती देवी कुछ ज्यादा ही भावुक हुई और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। सिंधिया ने कहा कि रो क्यों रही हो, तो इमरती देवी ने कहा कि यह तो खुशी के आंसू हैं। यह सुन सिंधिया भी भावुक हो गए और आगे बढ़कर इमरती देवी को गले लगा लिया। सिंधिया की जादू की झप्पी का यह दृश्य इस इमोशनल कथा की एक बानगी भर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी तो उस समय उनके समर्थक मंत्रियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफे दिए थे। इनमें पूर्व मंत्री इमरती देवी भी शामिल थी। इसके बाद इमरती देवी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।